गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन 360 जनरल नॉलेज। दोस्तों आज है 12 मार्च और 12 मार्च के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ से लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। वीडियो की PDF फाइल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने अपना पहला BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया है? इसका सही आंसर है PV सिंधु। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को वोटिंग के जरिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। PV सिंधु ने बीते साल स्विट्जरलैंड में बैडमिंटन की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। वो ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। PV सिंधु के नाम विश्व चैंपियनशिप के 5 मेडल हैं। वे ओलंपिक बैडमिंटन के एकल मुकाबले में रजत पदक जीतने वाली भी पहली खिलाड़ी हैं। वे पिछले 4 साल से लगातार टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल रही हैं। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? इसका सही आंसर है जैक मा। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयरों में आई भारी गिरावट के बाद उनके सिर से एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर का ताज छिन गया है। चीन के उद्योगपति अलीबाबा ग्रुप के होल्डिंग लिमिटेड के संस्थापक जैक मा अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति $41.9 अरब है, वहीं चीन के उद्योगपति जैक मा की दौलत $44.5 अरब है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में कमी और कोरोना वायरस के चलते मुकेश अंबानी की कंपनी को यह नुकसान हुआ है। दोस्तों आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 10 मार्च। प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जिसका कार्य सरकारी कारखानों एवं सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 10 मार्च 1969 को हुआ था। इस बल की संख्या लगभग 1,50,000 है। सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश की आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहरों आदि की सुरक्षा भी करता है। दोस्तों आज का चौथा क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? इसका सही आंसर है भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने हाल ही में ट्रेंड इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर 2019 पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन शामिल है। इन 5 देशों में विश्व हथियारों के आयात का 36% है। भारत ने वर्ष 2015 से 19 के बीच हथियारों के आयात में विविधता लाई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अन्य देशों से सैन्य हार्डवेयर का अधिग्रहण किया है। इसमें डेनमार्क से रडार, जर्मनी से सोनार सिस्टम, ब्राजील से जेट, दक्षिण कोरिया से गन और इटली से सुपर रैपिड गन शामिल हैं। दोस्तों आज का पांचवा क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है कोवा पंजाब। पंजाब सरकार ने लोगों को कोरोना वायरस COVID-19 और इससे बचाव एवं सावधानियों के बारे में जागरूक करने के लिए कोवा पंजाब नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप में कोरोना वायरस से बचाव के लिए उपाय बताए गए हैं। इस मोबाइल ऐप से लोगों को ऐसे लक्षणों को पहचानने में मदद मिलेगी जो कोरोना वायरस के संभावित लक्षण हो सकते हैं। इससे लोगों को नजदीकी अस्पताल और जिले में कोरोना के लिए विशेष नोडल अधिकारी की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। दोस्तों आज का छठा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 31 मार्च तक सभी सिनेमा थिएटर बंद करने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है केरल। केरल में कोरोना वायरस के कारण 11 से 31 मार्च तक सभी सिनेमा थिएटर बंद रखने का फैसला किया गया है। यह निर्णय कोची में विभिन्न मलयालम सिनेमा संगठनों की बैठक में लिया गया।
कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या लगभग 4,000 से अधिक हो गई है। इसके अलावा 31 मार्च तक ट्यूशन क्लास आंगनबाड़ी मदरसे बंद कर दिए गए हैं। आज का सातवां क्वेश्चन है, अशरफ गानी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। सितंबर 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती फरवरी में पूरी हो चुकी थी। इस गिनती में चुनाव आयोग ने अशरफ गानी की जीत की घोषणा भी कर दी थी। अशरफ गानी को चुनाव में 50.64% वोट हासिल हुए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी अब्दुल्ला अब्दुल्ला को 39.52% वोट मिले थे। आज का आठवां क्वेश्चन है, फुटबॉल आई लीग 2020 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है मोहन बगान। मोहन बगान देश का सबसे प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब में से एक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को उपेंद्र नाथ बोस द्वारा की गई थी। यह क्लब आई लीग में हिस्सा लेता है। यह क्लब अब तक 255 से अधिक ट्रॉफी जीत चुका है। आई लीग देश की अग्रणी फुटबॉल लीग है। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। इस लीग में 11 फुटबॉल टीमें हिस्सा लेते हैं। डेम्पो फुटबॉल क्लब ने सर्वाधिक 3 बार इस लीग का खिताब जीता है। आज का नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है वसीम जाफर। वसीम जाफर 150 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। वे रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी हैं। जाफर ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 50.67% की औसत के साथ 19,410 रन बनाए हैं। अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट करियर में जाफर ने 57 शतक और 19 अर्धशतक बनाए, जिसमें 314 रन उनका सर्वोच्च स्कोर है। वे भारत के लिए 31 टेस्ट मैच तथा 2 एकदिवसीय मैच खेल चुके हैं। जाफर ने भारत के लिए अपना अंतिम बार मैच अप्रैल 2008 में खेला था। दोस्तों आज का 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने हेतु केंद्र सरकार से पायलट विकास परियोजनाओं की मांग की है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत चीन सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पायलट परियोजनाओं के रूप में 10 जनगणना शहरों के चयन की सिफारिश की है। भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन के साथ 1,080 किलोमीटर की सीमा, म्यांमार के साथ 440 किलोमीटर की सीमा और भूटान के साथ 160 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालय को 4.60 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज देने का भी प्रस्ताव दिया है।